जिले में विगत दो दिन के अंदर दो अधिकारियों के साथ मारपीट हो चुकी है। मंगलवार को ईशागढ़ में नगर परिषद सीएमओ को पीट दिया गया था, तो बुधवार को अशोकनगर के मंडी सचिव के साथ मारपीट हुई थी। सीएमओ पर हमला करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन जमानती अपराध होने के कारण इन्हें थाने से ही रिहा कर दिया गया है। बता दें कि मंगलवार को ईशागढ़ में नगर परिषद सीएमओ नरेंद्र कुमार जाटव के साथ अवैध मकान निर्माण को रुकवाने के दौरान कुछ लोगों द्वारा उन्हें जमीन पर पटक कर लात घूंसे से मारपीट की थी। पुलिस ने सीएमओ जाटव की शिकायत पर घनश्याम बसोर, सपना वाई, राजकुमारी लल्लू आदि पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ युवतियां सीएमओ जाटव के साथ झूमा झटकी करती नजर आ रही हैं। सीएमओ जाटव ने पुलिस को बताया कि संबंधित लोगों से उन्होंने चुनाव के दौरान दो दिन तक काम रुकवाने की अपील की थी, इसके बाद भी उन लोगों ने काम नहीं रोका। जब काम रुकवाने के लिए वे मौके पर पहुंचे तो उनके साथ यह घटना हो गई। पुलिस ने सीएमओ की शिकायत पर संबंधित आरोपियों पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ईशागढ़ टीआई दीप्ति चौहान ने बताया कि सीएमओ की शिकायत पर रात में ही तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। इसमें दो बहनों समेत तीन आरोपी गिरफ्तार किए थे। चूंकि वह अपराध जमानती था, इसलिए आरोपियों को रात में ही नोटिस पर रिहा कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। लड़की को पकड़ी, आपने जूते दिए, मैं मारा मकान गिराया। हेलो, जाना चुनर चुनर मत करे। तेरी माँ